हरे कृष्णा, आज का टॉपिक है व्हाट योर लवर थिंक अबाउट यू दिसंबर एनर्जी। मैंने यहाँ पे तीन डेक रखे हैं, नंबर वन, नंबर टू एंड नंबर थ्री। आप इन तीनों में से कोई एक डेक चूज कर सकते हैं और फिर हम देखेंगे कि रीडिंग क्या आती है। दिस इज जनरल रीडिंग, सो इट विल नॉट रेजोनेट विद एवरीवन। अब देखते हैं डेक नंबर वन। पहला कार्ड है सॉरी, तो ये आपसे कुछ डिस्कस करना चाह रहे हैं, कुछ बातें करना चाह रहे हैं। अगर ये आपसे खफा है या फिर अगर आप पे गुस्सा हो रहे होंगे तो ये आपसे बातें कन्वे करना चाह रहे हैं और एक छोटी सी सॉरी वो आपसे कहना चाह रहे हैं। शायद इसकी ज़रूरत है या नहीं, लेकिन वो अपना दिल का बोझ हल्का करना चाह रहे हैं। डिफरेंसेस, तो थोड़े से डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन आ सकते हैं आप दोनों के बीच। आप दोनों के जो ओपिनियंस है वो डिफरेंट हो सकते हैं, लेकिन ये भी एक अच्छी बात है कि आप दोनों एक दूसरे का रिस्पेक्ट कर रहे हैं और आपकी खुद की एक पॉजिटिव थिंकिंग है। हैप्पीनेस, तो आपके साथ वो बहुत हैप्पी हैं और आपके साथ मिलकर वो और हैप्पी हो सकते हैं। शायद कोई बात वो आपसे कन्वे करना चाह रहे हैं। गो अहेड, तो कुछ चीज़ों को आप दोनों ने साथ मिलकर पूरा करना सोचा था, लेकिन किस कारणवश अगर वो पूरी नहीं हो चुकी हैं चीज़ें तो अब ये पूरी हो सकती हैं, इसलिए ये कार्ड बहुत पॉजिटिव रिजल्ट्स दे रहा है। मिसिंग समवन, तो जब आप उनसे नहीं मिले थे तो वो आपको बहुत याद कर रहे थे और इसलिए आपसे जल्द से जल्द मिलने की कोशिश करना चाह रहे हैं। गुड लक, तो यहाँ पे गुड लक की कार्ड आ गया है, तो आपको बहुत मिस कर रहे हैं और चाह रहे हैं कि आप दोनों फिर से एक साथ मिलकर अपने दिल का हाल बयां करें और खुश रहें। विश, तो उनकी ख्वाहिश है जो भी है वो आपसे डिस्कस करना चाह रहे हैं, फिर चाहे एंगेजमेंट हो, शादी की तारीख हो या आप एक दूसरे से मिलने की तारीख हो, वो आपसे जल्द से जल्द मिलना चाह रहे हैं। सरप्राइज़, तो शायद उन्होंने कोई सरप्राइज़ आपके लिए प्लान किया है, शायद उन्होंने कोई गिफ्ट आपको देने का सोचा है या फिर कुछ सरप्राइजिंग वर्ड्स आपसे कहना चाह रहे हैं, जैसे कि मैजिकल वर्ड्स आई लव यू। ऑप्शंस, तो काफ़ी ऑप्शंस उनको मिल रहे हैं, शायद उन्होंने तैयारी की है कि आप कहाँ कहाँ जाएंगे या फिर क्या क्या करेंगे, तो उसके लिस्ट उनके पास तैयार है और वो आपसे शेयर करना चाह रहे हैं। एक्सरसाइज, तो फिटनेस बहुत इम्पॉर्टेंट है और अगर आपने उनको फिटनेस के बारे में कुछ कहा है तो जिम ज्वाइन कर सकते हैं या फिर अपने सेहत का ख्याल रख सकते हैं। एडवेंचर, तो कुछ एडवेंचरस करना चाह रहे हैं, आपसे मिलना चाह रहे हैं और आपसे मिलके एडवेंचरस कौन सी चीज़ें कर सकते हैं इसकी एक लिस्ट बना सकते हैं। जस्ट बी योरसेल्फ, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कार्ड है, वो आपको फ्रीडम दे रहे हैं और आप भी उनको फ्रीडम दे रहे हैं कि आप जैसे हैं वैसे रहें, एक दूसरे में आपको कोई चेंजेस नहीं चाहिए। आपने उस व्यक्ति पर प्यार किया है जो आपसे मिले थे, जिन्होंने आपसे बात की थी, तो आप उनमें कोई चेंजेस नहीं चाह रहे हैं। मीट समवन, तो आपसे मिलने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन शायद किसी कारणवश मिल नहीं रहे थे, तो अब यहाँ पे उनका दिल का हाल ऐसा है कि वो आपसे जल्द से जल्द मिलना चाह रहे हैं। म्यूज़िक, तो कोई हॉबी ज्वाइन करना चाह रहे हैं या फिर कोई हॉबी को कंप्लीट करना चाह रहे हैं आपके साथ मिलकर। और फाइनल कार्ड है कॉफ़ी, तो कॉफ़ी के बहाने, चाय के बहाने आपसे रेस्टोरेंट में मिलना चाह रहे हैं और थोड़े प्यार भरे पल एक दूसरे के साथ बिताना चाह रहे हैं। तो ये था रीडिंग आपके लिए। अब देखते हैं डेक नंबर टू। पहला कार्ड है सॉल्यूशन, तो कुछ ट्रबल अगर आप दोनों के बीच हुई होगी या फिर किसी बात को लेके अगर आप ट्रबल में हैं तो उसका सॉल्यूशन आपके लवर ने ढूंढ लिया है और ये सॉल्यूशन आपसे जल्द से जल्द डिस्कस करना चाह रहे हैं, ये सॉल्यूशन आप तक पहुंचाना चाह रहे हैं। लव, तो आपसे ढेर सारा प्यार करते हैं और ये बातें आपसे बार बार कन्वे करना चाह रहे हैं ताकि आपका विश्वास उनके ऊपर और गहरा हो जाए और जो भी नेगेटिविटी आप सोच रहे हैं वो जल्द से जल्द आपकी रिलेशनशिप से बाहर निकल जाए। मेडिटेशन, तो थोड़ा ध्यान लगाना चाह रहे हैं, प्यार के बारे में सोचना चाह रहे हैं और बार बार आपका चेहरा उनके आँखों के सामने आ रहा है, वो आपको बहुत मिस कर रहे हैं। कीप स्माइलिंग, तो ये बातें शायद आपने उनको सिखाई हैं और इसीलिए वो हर बात पे कीप स्माइलिंग रख रहे हैं,
दुनिया जैसी भी है या फिर दिन कैसा भी हो, वो आपको भुला नहीं पा रहे हैं और आपकी यादों में हंस रहे हैं, दिन काट रहे हैं। स्पेशल ऑफर, तो यहाँ पे तो शायद आपके लिए कोई खरीदारी करना चाह रहे हैं या फिर आपको लेके किसी मॉल में जाने का उनका प्लान हो सकता है, आपके साथ शॉपिंग करने का दिल उनको कर सकता है, कर हो सकता है। नेक्स्ट कार्ड है फूड, तो डाइनिंग के बहाने, खाने के बहाने आपसे मिलना चाह रहे हैं, आपसे कुछ बातें शेयर करना चाह रहे हैं या फिर आपके पसंद का कोई फूड वो आपको बना के खिलाना चाह रहे हैं। टॉक टू यूनिवर्स, जो भी उनके दिल में चल रहा है वो आपसे दिल खोल के बातें करना चाह रहे हैं, फिर चाहे आप उनके ऊपर गुस्सा हो जाए या फिर आपको उनके ऊपर और प्यार आ जाए, लेकिन वो आपसे कुछ बातें शेयर करना चाह रहे हैं, कुछ बातें क्लियर करना चाह रहे हैं। डिस्कशन, तो शायद अपने दोस्तों के साथ मिलके कुछ डिस्कशन करना चाह रहे हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कशन हो सकता है और इससे शायद आप दोनों के लाइफ में कुछ चेंजेस आ सकते हैं। चेयरअप, अगर नेगेटिविटी आ चुकी है तो उसको हटाना चाह रहे हैं, इसलिए चेयरअप कार्ड यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है। बिजी, तो अपने लाइफ में बिजी हैं, अपने जॉब में या बिजनेस में जो भी वो काम कर रहे हैं उसमें बिजी हैं, लेकिन आपके लिए समय निकालना नहीं भूल रहे हैं और शायद किसी सैटरडे संडे आपसे मिलना चाह रहे हैं। चॉइस, तो बहुत सारे चॉइसेस उनके सामने अवेलेबल थी, लेकिन वो सिर्फ वही चॉइस करेंगे जो आप दोनों के मिलकर हो सकती हैं, जब वो आपसे मिल सकते हैं। कैलकुलेशंस, थोड़े से बिजी है लाइफ में, थोड़ा वर्कलोड उनको ज़्यादा हो रहा है, लेकिन वो आपके साथ मिलके बातें करना चाह रहे हैं और आगे बढ़ना चाह रहे हैं। रिलैक्स, तो बहुत सारा स्ट्रेस उन्होंने ले लिया है, तो यहाँ पे इम्पॉर्टेंट बात है रिलैक्स होना, तो शायद आपसे फ़ोन पे बात करके वो रिलैक्स हो रहे होंगे, तो आपसे वो फोन पे बात करना चाह सकते हैं। लिटिल जॉय, तो छोटी छोटी बातों में भी खुशियाँ मानना, ये शायद वो आपसे सीख रहे हैं और ये बातें अपने रियल लाइफ में प्रैक्टिकली लाना चाहते हैं। और फाइनल कार्ड है होम, तो शायद आप एक दूसरे के साथ मिलके कोई प्लानिंग कर रहे हैं, अपना घर खरीदना चाह रहे हैं या फिर आप दोनों एक साथ मिलके अपने घर वालों से कुछ बातें करना चाह सकते हैं। तो ये था रीडिंग आपके लिए। अब देखते हैं डेक नंबर 3। लॉन्ग वे, तो कुछ प्लानिंग उनके दिल में चल रही है जो उन्होंने आपसे शेयर की हो या फिर अपने पास ही वो प्लानिंग रखी हो। दूर तक पहुंचना है, शायद आप दोनों ने मिलके जो सपना देखा है वो पूरा करना चाह रहे हैं और इस फिराक में वो हो सकते हैं। एंजॉय, तो आपके साथ मिलके ज़िंदगी का एंजॉय करना चाह रहे हैं, आपके साथ बहुत सारा समय बिताना चाह रहे हैं, तो आपको किसी पार्क में, रेस्टोरेंट में या पार्क में मिलना चाह रहे हैं और आपसे ढेर सारी बातें करना चाह रहे हैं। बॉन्डिंग, आप दोनों का बॉन्डिंग बहुत अच्छा है और जब आप दोनों एक दूसरे से मिलते हैं तो आप दोनों को भी बहुत अच्छा फील होता है, ये बात वो भली भांति समझते हैं और आपसे मिलने की कोशिश ज़रूर करना चाहते हैं। सोलमेट, तो आपसे उनका कनेक्शन बहुत ही स्पेशल है, ये बात वो जान चुके हैं और इसलिए आपका ख्याल हमेशा उनके दिल में रहता है और आप उनके सोलमेट हैं ऐसा वो मान के चल रहे हैं। ड्रीमलैंड, तो जब भी आप उनसे मिलते हैं तो उनको ड्रीमलैंड जैसी फीलिंग आती है और एक अलग ही दुनिया में वो पहुंच जाते हैं, तो ये बात उनको हैरत करने वाली है और इसलिए वो आपसे बार बार मिलना चाह रहे हैं। रे ऑफ होप, चाहे नेगेटिविटी आ चुकी हो लेकिन रे ऑफ होप उनको नज़र आ रही है, तो एक दूसरे के साथ आगे कैसे बढ़े इसके प्लानिंग करना उनके दिल में चल रहा है। क्वारल, तो थोड़े से मतभेद हो सकते हैं, थोड़े से डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन हो सकते हैं, शायद घर वालों के साथ या किसी और के साथ, लेकिन वो आपके साइड से ही हमेशा रहेंगे। लेट गॉड डू इट, तो कुछ चीज़ें वो अपने हाथों में नहीं लेना चाहते, जैसे भगवान डिसाइड करेगा उसको मान के ही वो आगे चल रहे हैं। लाइफ इज़ अ राइड लाइक रोलर कोस्टर, तो लाइफ में बहुत सारी बातें होती हैं और इन सारी बातों को लेके ही वो आगे चल रहे हैं और चाह रहे हैं कि आप उनका साथ हमेशा निभाएं। हॉबी, तो कोई हॉबी वो प्लान आउट करना चाह रहे हैं, आपके साथ मिलके कोई हॉबी कंप्लीट करना चाह रहे हैं। प्रपोज, तो आप में से कुछ लोगों को उनसे प्रपोजल आ सकता है या आपको वो प्रपोज कर सकते हैं और चीज़ें फास्ट ही आगे लेना चाह रहे हैं, शायद प्रपोजल के बाद एंगेजमेंट करना चाह रहे हैं। अलमोस्ट रीच्ड,
तो आपके साथ मिलके ज़िंदगी गुजारना चाह रहे हैं, तो उन्होंने अपने लिए कुछ गोल्स डिसाइड किए हैं और वो गोल्स जल्द से जल्द कंप्लीट हो जाएं, ये उनके दिमाग में चल रहा है। पजल, बातें किस तरह से आगे ले जाएं, बातें किस तरह से आगे बढ़ाई जाए, इसके बारे में वो सोच रहे हैं और थोड़े से पजल में जा सकते हैं। पेट, तो जैसे हमें पेट को देख के खुशी होती है, वैसे ही खुशी वो आपके आपको देख कर उनको मिलती है और चाह रहे हैं कि जल्द से जल्द आप दोनों एक दूसरे का साथ निभाने की पूरी तैयारी करें। और फाइनल कार्ड है फोकस, तो उनका फोकस आप पर है और चाह रहे हैं कि इनका ये फोकस कभी भी ना हटे और वो हमेशा आपके बारे में सोचते रहें। तो ये था रीडिंग आपके लिए।